और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चुनाव आयोग में नियुक्ति को लेकर टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। चुनाव आयोग में जिस तरह से नियुक्तियां की जा रही हैं उसके लिए कानून बनाया जाए, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही आपको बता दें कि चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए कानून बनाने का प्रावधान हो, ये सब टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अहमद अजीम हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अहमद, क्या कुछ कहा आज सुप्रीम कोर्ट ने? लेकिन नेहा, ये एक याचिका है जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। अनूप बर्नवाल जो कि खुद वकील हैं, उन्होंने फाइल किया और आज कोर्ट ने चुनाव आयोग का जो रिप्लाई था उसके ऊपर सुनवाई करते हुए ये कहा कि अभी तक जो है सीईसी और चुनाव आयोग और दूसरे जो सदस्य होते हैं इलेक्शन कमीशन के, उनकी नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार से जो है सवाल किया, इलेक्शन कमीशन से भी पूछा सवाल की, केंद्र सरकार से ये पूछा कि अभी तक आपने जो है कोई प्रक्रिया इसको लेकर कोई क्यों नहीं डिफाइन किया है, और जबकि संविधान की धारा 324(2) में जो है ये उम्मीद की गई है कि संसद नियुक्तियों के लेकर कोई कानून बनाएगा। चुनाव आयोग ने अपने रिप्लाई में ये कहा है कि अभी तक जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वो सही हुई हैं, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई गलत नहीं हुआ है। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि हम ये मान लेते हैं कि सही हुई नियुक्तियां, फिर भी कोई अब तक प्रक्रिया क्यों नहीं बन पाई है, और हम हालांकि संसद को ये नहीं कह सकते हैं कि वो कानून बनाए, लेकिन हम ये जरूर देखेंगे कि क्या इसमें कोई दिशा निर्देश हम जारी कर सकते हैं, और इसको लेकर 2 महीने बाद जो है हम इस पर विस्तृत सुनवाई करेंगे। फाइनल इसमें हियरिंग होगी और ये तय होगा कि क्या आगे से जो भी नियुक्तियां होंगी वो किसी एक प्रॉपर जो सिस्टम होता है, कोई निर्देश होगा उसका कोर्ट का, उसके आधार पर ही होंगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद इस तमाम जानकारी के लिए। अहमद अजीम हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कानून नहीं है लेकिन कानून का प्रावधान होना चाहिए। चुनाव आयोग में जिस तरह से नियुक्तियां होती हैं, चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए ये कानून बनाया जाना चाहिए और इस पर सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। याचिका में नेता प्रतिपक्ष और CGI की कमेटी ने ये कहा है।